सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा 5 मिस्टेक का, जिसमें यदि आप सुधार कर लें तो आपका मैथमेटिक्स पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और आपका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मैथमेटिक्स के एक स्टूडेंट हैं और वास्तव में मैथमेटिक्स पर एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं और मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं इस चैनल में हायर मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ फर्स्ट मिस्टेक का, जो एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट को कभी नहीं करना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, मैथ्स का क्लास कॉलेज में करते होंगे या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किए होंगे। आपके क्लास में जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप उसको घर से पढ़ करके नहीं जाते हैं। फर्स्ट मिस्टेक यही है। आपको करना क्या चाहिए, जो चैप्टर आपके क्लास में स्टार्ट होने वाला है उस चैप्टर को आप घर से अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएँ, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके डेफिनेशन को या फिर उसमें जो थ्योरम है उसको समझने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% चीज़ें समझ में आ ही जाए, लेकिन जो भी समझ में आता है आप उसको समझिए और जो नहीं समझ में आता है उसको आप नोट डाउन कर लें। साथ में और क्या करना, हो सकता है उस चैप्टर में आपको प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा हो तो आपको उस प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जो यूज होने वाला है उसको भी आप समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आप कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं या आपके क्लास में कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो उस कंटिन्यूटी को समझने में आपको पता है कि लिमिट के कॉन्सेप्ट का भी ज़रूरत पड़ता है, साथ में ग्राफ, किसी भी फंक्शन के ग्राफ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको लिमिट के बारे में और ग्राफ के बारे में, फंक्शन के ग्राफ के बारे में आपको पहले से पढ़ लेना पड़ेगा। लिमिट में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। और जो भी डाउट है, मान लीजिए आप कंटिन्यूटी चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं तो कंटिन्यूटी चैप्टर में आपको जो चीज़ डाउट लग रहा है उसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब मैं बात करता हूँ सेकेंड मिस्टेक का। कुछ स्टूडेंट जब क्लास जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा स्टूडेंट को कभी नहीं करना चाहिए। आप जब क्लास जा रहे हैं तो वहाँ टीचर को जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है आप उस कॉन्सेप्ट को, थ्योरम को समझने का पूरा प्रयास कीजिए। आपको यदि थ्योरम और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बुक के हेल्प से तो नोट्स खुद भी बना सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप नोट्स उतारिए ही नहीं, आप नोट्स उतारिए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए समझने पर, क्योंकि आपका मेन मकसद है क्लास जब जा रहे हैं तो मेन मकसद होता है आपका कॉन्सेप्ट समझना। जो टीचर के द्वारा वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझना आपका मेन उद्देश्य है। टीचर के पढ़ाने के दरमियान जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या जो भी डाउट हो रहा है उसको आप टीचर से ज़रूर पूछ लें। आप घर से भी जो डाउट लेकर के गए हैं, हो सकता है टीचर के पढ़ाने के दरमियान आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसको भी ज़रूर पूछ लें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थर्ड मिस्टेक की तरफ। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो नोट्स कॉपी, फेयर कॉपी ही क्लास में ले जाते हैं और वहीं पर नोट्स तैयार करते हैं। यह बहुत बड़ा मिस्टेक है, ऐसा स्टूडेंट को कभी नहीं करना चाहिए। आप क्लास में रफ़ कॉपी लेकर के जाएं और रफ़ कॉपी में ही वहाँ पर आप लिखें, उतारें और उसके बाद आप घर ला करके फेयर करें और नोट्स तैयार करें। यदि संभव है तो कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग कॉपी रखें और प्रॉब्लम के लिए, जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उसको बनाने के लिए एक अलग कॉपी रखें। फोर्थ मिस्टेक आप क्या करते हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का फॉर्मूला या डेफिनेशन को लर्न नहीं करते हैं। और ये लास्ट में होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन का समय आ जाता है तो आप उस समय फॉर्मूला को लर्न करना शुरू करते हैं या फिर डेफिनेशन को लर्न करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, वो लर्न होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का मैथमेटिक्स बनता नहीं है। तो जब आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसी समय आप फॉर्मूला को लर्न कर लें और डेफिनेशन वगैरह को भी लर्न कर लें ताकि आपको बाद में याद रहे
और बाद में एग्जामिनेशन पीरियड में आपको इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़े। साथ में बीच बीच में आप इस फॉर्मूला को, डेफिनेशन को रिवाइज करें, इसीलिए मैं बताया हूँ कि कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग कॉपी रखें, ताकि आप कॉन्सेप्ट जो है वो बीच बीच में रिवाइज करते रहें, ताकि वो आपके मेमोरी में रहे। चलिए अब आते हैं फिफ्थ मिस्टेक पर। बहुत सारे स्टूडेंट आसान आसान सवाल को बनाते हैं और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप आसान सवाल को छोड़ दें, लेकिन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को तो ज़रूर बनाएं। आसान सवाल जो फार्मूला बेस्ड सवाल है उसको आप देख करके समझ सकते हैं। कॉपी में नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि जितना से ज़्यादा हो कॉपी में लिख लें। लेकिन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आपको कभी नहीं छोड़ना है। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आपको हर हालत में बनाना चाहिए, उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है आपसे वो प्रॉब्लम नहीं बने तो आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं, या फिर लास्ट में टीचर से पूछ सकते हैं, और उस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी आप नोटबुक में ज़रूर बनाएं। एक और मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि जो एग्जाम्पल में सॉल्व्ड एग्जाम्पल के सवाल होते हैं उसको नहीं बनाते हैं। तो आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल के भी सवाल को फेयर कॉपी में बना लेना चाहिए। सारे सवाल तो नहीं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो है या जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप नोट कॉपी में ही उसको बना लें। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिस्टेक है जिसको आपको हर हालत में सुधारना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, तो आप उन गलतियों को भी सुधारने का प्रयास करें। और शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है, तो इसीलिए आप हार्डवर्क करें और आप जो भी गलतियां करते हैं उसमें सुधार कर लें। और ये वीडियो में मैं मुख्यतः 5 मिस्टेक के बारे में ही बात किया हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं जिसको मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ। आप अपने तरीके से उसको समझ करके सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।